प्रीति जी आप ये बतलाइए कि ये कब से आप ये सामग्री वितरण कर रहे हैं? सामग्री तो हम 24 मार्च से कर रहे हैं, जनता कर्फ्यू के जस्ट एक दिन बाद से। तो बहुत सारा चीज़ हम इसमें वितरित किए, और जैसे कि राशन हो गया, फिर आपका बच्चों के लिए कर रहे हैं, और फिर राशन है, फिर जो भी है सब कुछ तो दे रहे हैं जो सहयोग कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए नहीं मिल पा रहा था जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और ये सबसे ज़्यादा मतलब कि शांति मिलने वाला है कि हाँ बहुत पुण्य का काम है। और फिर ऐसे बच्चे हैं जिनको मतलब वो लोग अभी इस टाइम में दूध क्या नहीं खरीद पा रहे हैं, तो उनके लिए हम कर रहे थे। और ये पहले हम स्टार्टिंग किए थे RSS की तरफ से, वो 2 दिन पहले बंद हुआ, और अभी हम स्टार्ट किए हैं। ये बटरफ्लाई प्रोजेक्ट है जिसकी ऑनर है मालविका मैम, जो बहुत ही हेल्प की है मेरा, और आगे भी करेंगी वो। और अभी हम प्रवासी लोग के लिए भी कर रहे हैं, जिसमें चप्पल है, फूड पैकिंग है, सेरेलेक्स है, ये सब हम सभी कर रहे हैं। और आगे भी ये जारी रहेगा जब तक लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बाद भी जब तक हो सकेगा तब तक हम लोग सेवा करेंगे। थैंक यू। आज किस जगह में आज वितरण कर रहे हैं? यहाँ पर ये बटरफ्लाई प्रोजेक्ट से हम कर रहे हैं, जो कल से स्टार्टिंग किए हैं, और 40 बच्चों के लिए है, 1/2 लीटर मिल्क ऑसम का है जो, और ये कांटा टोली रविदास मोहल्ला में कर रहे हैं। और ये आगे भी रहेगा, दूध है, फिर और भी कुछ कुछ रहेगा जो ऐड होगा। अभी जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होते जाएगा लॉकडाउन, वैसे करते जाएंगे। और कोविड में हमारा तो बस यही है कि हाँ सबको मतलब कि भरपेट रहना है, भूखा कोई नहीं सोई, यही हम लोग का एक लक्ष्य है, और कुछ भी नहीं। थैंक यू। कोई दिक्कत नहीं। आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज़, हर खबर का असर।